अस्सलामुअलैकुम। शायद बुलाने में बहुत जल्दी करती है शाम भाई। शाम भाई अभी जस्ट 10 मिनट पहले आया हुआ है। डाइस पर जलवा अफरोज मेहमान और सामने बैठे हुए आतिफ भाई इकराम, पहली बात तो एक बहुत बता दें, थोड़ा बोलने में सही में प्लानिंग करने में बहुत अच्छा हूँ। आज इस मौके पर सब लोग जमा हुए हैं और एक दर्द है यूनानी का, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। बिल्कुल फ्रेंकली एक कवि शेर पढ़ा था जो हम लोगों का हर एक यूनानी के लिए है, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हमारा वही हाल है कि हम चाहते हैं लेकिन चाहने वालों की तरह चाहते हैं नहीं उसको। बहरहाल अभी काफी बातें हुई हैं और आगे भी बातें होंगी, आपके आपके सामने मसाइल भी रखे जाएंगे और आगे क्या जो मसले हैं हमारे सामने गवर्नमेंट लेवल पर या हमारे अपने लेवल पर, मैन्युफैक्चरर्स या कॉलेज वाले, सभी की गलतियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं। हम आम प्रैक्टिसर हैं, हम उसको यूनानी को उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हमारे बहुत सारे बैकग्राउंड जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं या नौजवान हैं, कुछ नुस्खे जानते हैं, उसको भी हम आम नहीं करते हैं और बराबरी करते हैं हम एलोपैथ से। अगर हम अपनी बराबरी अपने नुस्खे हम आम करें, कुछ मॉडिफाई करें, हम आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं। एक हमारे एक स्टूडेंट लाइफ का वाक़या है, हमारे क्लास चली थी सैदला की, उसमें हमारे लेक्चर थे मरूम, उन्होंने कहा था मतलब उसमें टड़ियाक के ऊपर कि ऐसा होता आया है, ऐसे ही होता आएगा। हम उसको आज तक मॉडिफाई नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी जिम्मेदार हैं, शान भाई हैं और कॉलेज वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आम प्रैक्टिसर हैं, कि आप अपने लेवल पर इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप शान भाई का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपनी सीट पर। भारतीय चिकित्सा परिषद जो कि अब आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड है, उसके मेंबर जनाब डॉक्टर शकील साहब, आपने नाम तो सुना होगा शकील बदायूनी साहब, तो आज हमारे यहाँ शकील बदायूनी साहब मशहूर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए। ऑल इंडिया यूनानी फाउंडेशन के आज के इजलास में डाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम और मोजिस एसीएन ग्रुप के चेयरमैन आर ए चौधरी साहब, मेरे सामने डाइस पर तशरीफ फरमा इस फेडरेशन के कन्वीनर मोहतरम जनाब शान साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब, डॉक्टर शाहीन साहिबा और दीगर हजरात जो स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, और मेरे सामने तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के तमाम अजला से तशरीफ लाए हुए मोहतरम और मोजिस हुक्मा सामईन और हजरात, हमारे बीच में दाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब मोहसिन देलवी साहब जो कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे। जैसा आप सब लोगों के इल्म में है, इस फेडरेशन की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू हुई थी और सारे लोगों ने मिलकर ये सोचा था कि उन्हें एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान में जितने भी संगठन हैं वो एक साथ मिलकर काम करें। इस मौके पर मैं आप सभी हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं, हो सकता है वो आपके जहन में भी हो, वो आपकी बातें भी हो और मेरी भी हो, कुछ शक व शुबहात भी हैं, कुछ सवा आमूज बातें भी हैं, तो मन पर तशरीफ फरमा तमाम हजरात और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मोजिज और मोहतरम हजरात, सबसे पहले तो कोई भी तंजीम
जब वजूद में आते हैं तो उसका मौका, उसके अगराज मकासद, उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हम सब लोगों के सामने बहुत वाज़ह और क्लियर होने चाहिए। जैसा आप सब लोगों के इल्म में है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 15 अगस्त से लेकर अब तक जिस तरह की भी गुफ्तगू अमल में आई और जो बातें आप सब लोगों के इल्म में है, वो अगर उन ग्रुप से आप जुड़े हुए थे तो आपको वाज़ह होंगी। हम सब लोग जानते हैं यूनानी की फील्ड में, यूनानी की फरोग के लिए, उसकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत से तंजीमें काम कर रही हैं, चाहे वो यूनानी तिब्बी कांग्रेस हो, यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो, बीयूएमएस डॉक्टर एसोसिएशन हो, इसके अलावा तमाम स्टेट्स की स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि यूनानी को किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से उसे फरोग दिया जाए। और मैं समझता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि वो लोग खामोश हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपने अपने स्टेट के माहौल के हिसाब से, कुछ स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है यूनानी के फरोग के लिए, यूनानी की बका के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको बराबर का हक दिलाने के लिए, उनके ग्रेजुएट्स के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए तमाम तरह की तंजीमें तमाम तरह के काम करती रहती हैं और हम ये देखते भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाजे होने चाहिए कि तमाम तंजीमें यूनानी की जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में तमाम सूबों में लगातार काम कर रही हैं, तो फिर हम इस तंजीम की जरूरत क्या पेश आई। इस तंजीम की जरूरत क्यों पेश आई और पेश आने के बाद ये तंजीम जो बनी, जैसा कि अब तक बताया गया, देखा पढ़ा सुना, वो ये तंजीम को इस तरह से पेश किया गया है जैसे ये सब तंजीमों का एक अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला के नीचे बाकी सब तंजीमें काम करेंगी। तो मैं आप सभी हजरात से ये जानना चाहता हूं कि जो तंजीमें 10-10 20-20 साल आजादी के बाद से अब तक काम कर रही हैं, वो किस तरह इस अम्ब्रेला के नीचे काम करेंगी, उसके जिम्मेदारान की इसके बारे में क्या राय है। क्योंकि आज अगर इस मंच से खुले दिल से बात नहीं होगी तो ये तंजीम ठीक तरह से मुझे नहीं लगता काम कर पाएगी। जरूरत इस बात की है कि आज इस मंच से बिल्कुल ओपन हार्टेड होकर बात की जाए कि जो तंजीमें आजादी के बाद से लगातार इल्मे तिब के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए कम और पेश जितना भी काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो इस अम्ब्रेला के नीचे कैसे फिट होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले मोहसिन देलवी साहब, चौधरी साहब यहां पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो इस पर गौर और फर्ज करने की जरूरत है कि किस तरह से उन सब लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और एक अम्ब्रेला। ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इस कदम की सताइश करता हूं, लेकिन हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम सब लोग हैं, हमें आपस में अना भी है, तमाम तजाद भी हैं और दिक्कतें भी हैं। आज के मौजूदा दौर को देखते हुए कि किस तरह से यूनानी को पीछे किया जा रहा है, हर फ्रंट पे उसको धकेला जा रहा है, और हम लोग जहां जहां भी तंजीमों के जरिए इसमें काम करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट के फैक्टर्स भी हैं, हमारे अपने वजूहात भी हैं, बहुत सी तंजीमें हैं, मैं देखता हूं लगातार, आप सब लोग भी देखते होंगे कि हर इशू पे कोई ना कोई मेमोरेंडम, कोई ना कोई ज्ञापन वो जरूर देती हैं, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता, वो समस्या का समाधान, उसका हल नहीं हो पाता। तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही रह जाती है कि हमने किसी समस्या के समाधान के लिए कोई मेमोरेंडम दे दिया? तो मेमोरेंडम देना किसी चीज का हल नहीं है, ना ही वो हमारी कारगर्दगी में गिना जाएगा जब तक उसका कोई बेहतर हल ना निकले। तो जरूरत आज इस बात की है कि जितनी तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान आपस में बैठें और यूनानी के जो मसाइल हैं उनको क्लब करें और एक
साथ मिलकर अप्रोच करें, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स को जोड़े, स्टूडेंट्स को जोड़े, मैन्युफैक्चरर्स को जोड़े, इदारों को जोड़े, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है, क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे का रिश्ता जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से शाना बशाना अगर हम चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो जरूरत आज इस बात की है कि हम किस तरह से इकट्ठे हों, इत्तेहाद और इत्तफाक हम में कैसे पैदा हो। और रही बात इस फ्रंट की, तो इससे पहले भी लगातार बातें चल रही थी कि फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट को रजिस्टर्ड कराएंगे, फिर पदाधिकारी बनेंगे, ये सब चीजें होंगी, और वो किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से वजूद में आएगा, तो उसके भी तमाम स्टेप और तमाम चीजें आप सब लोगों के सामने हैं। मेरी तो इस मंच के जरिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वो लोग सारी तंजीमें साथ आए या ना आए, उनके जिम्मेदारान मिलकर बैठे ना बैठे, लेकिन अगर ये फ्रंट वजूद में आया है तो इसे इस तरह से जरूर आप सब लोगों को लेना चाहिए कि एक प्रेशर ग्रुप बनाए, एक प्रेशर ग्रुप बनाए, और चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या वो दीगर इदारे हैं, कम से कम ये फ्रेंड उन सब लोगों के पास अपनी दिक्कतों को लेके जाए और एक एक मेमोरेंडम दे कि आप अपने अपने स्टेट में ये काम करके दिखाइए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, कम से कम वो अगर ना हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, अगर ना हो पाए तो कम से कम ये जब वजूद में आया तो इसकी जिम्मेदारी तो रहनी ही चाहिए आगे फ्यूचर में, कि जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो नीमा हो, चाहे वो नुडवा हो, चाहे वो यूनानी तिब्बी कांग्रेस हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे व्यूम एसोसिएशन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की एसोसिएशन हो, चाहे महाराष्ट्र की एसोसिएशन हो, हमारे लोग उन लोगों के पास मिले और अपने अपने मसाइल को बताएं कि भाई आप ये मसाइल यूनानी के क्यों नहीं उठा रहे हैं, जबकि आप यूनानी के नाम पे एक तंजीम बनाए हुए बैठे हुए हैं। ये काम तो हमको जरूरी करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा यूनानी की बका और फरोग से भी बड़ा मुद्दा जिसे बना दिया गया है, चौहान साहब, उर्दू का मुद्दा। तो मैं देखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, सोचता भी हूं, समझता हूं चीजों को, तो मेरी तो ये समझ में नहीं आती कि पहले तो जो मेरे दिल में है वो मैं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, पहले तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम यूनानी की बका फरोग और उसकी तरक्की और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठे हुए हैं कि या किसी लैंग्वेज के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हमें इसमें थोड़ा सा अलग अलग चीजों को करना पड़ेगा। अब अगर कोई बात भी कहता है भाई नहीं, यूनानी और उर्दू नहीं होगी तो यूनानी खत्म हो जाएगी, यूनानी नहीं होगी तो उर्दू खत्म हो जाएगी, तो यह भी मैं बहुत वाज़ह कर दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इन सब आप लोगों को इसमें भी जहन, मैं कोई कॉलेज चलाता हूं ना मैं कोई इदारा चलाता हूं, लेकिन जो मैं सोचता और समझता हूं इसके बारे में, मैं जामिया हमदर्द से पास आउट हूं। जामिया हमदर्द में उर्दू में एडमिशन के लिए जब से यूनिवर्सिटी बनी है, जब से उनमें कोई सनद नहीं देते हैं वहां पर, और हमारे साथ ही यहाँ पर कुछ बैठे भी हैं, कुछ सीनियर और जूनियर ही बैठे हुए हैं, शाह भाई बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं वहां पर, बहुत से ऐसे लोग जो 100% इंग्लिश जानते थे कश्मीर के और बाकी दीगर सूबों के, जिन्हें बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, जब उनकी उर्दू किताबें उनके सामने आई तो उन्होंने सीखी और उसे पढ़ा लिखा और आगे बढ़ाया। तो मेरे कहने का मतलब ये, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, चौहान साहब बोलेंगे तो वो भी इस बात पर नजरसानी करेंगे, कि हम पहले उर्दू की लड़ाई लड़ेंगे या पहले यूनानी की फरोग और उसकी बका की लड़ाई लड़ेंगे। तो जहां तक बात उर्दू की है, मेरे जहां तक इल्म में है, अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने उर्दू को लाजमियत को खत्म किया है, उर्दू की लाजमियत तो खत्म किया है कि उर्दू सर्टिफिकेट हो या ना हो लेकिन आप यूएस में एडमिशन ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट का कोई अच्छा कदम नहीं था, ये रहना चाहिए था। ये अलग बात है, हम सारे लोग ही बैठे हैं कि हम लोग जब एडमिशन लेते तो हम कितनी उर्दू जानते थे, जो लोग उर्दू के सर्टिफिकेट कॉलेज वाले लोग टीचर हजरात हमारे असतदा जो बैठे होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि जो लोग
हाई स्कूल का या उसके मसावी डिग्री लेके भी कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, सिर्फ आलिम और फाजिल और प्रीतिप से लाए हुए लोगों को छोड़ के उनकी वो डिग्री है और उनके वो सर्टिफिकेट भी नकली ही होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं से बनाए गए होते हैं, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि उसका सिलेबस और उसका सारे मजामीन जो हैं वो उसके ट्रांजेक्शन भी उस टाइम उर्दू में थे, अब तो दीगर जुबानों में इंग्लिश वगैरह में हो गए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जो सिस्टम चालू किया है वो ठीक तो किसी तरह से भी नहीं कह सकते, लेकिन ये भी हमारे इल्म में रहना चाहिए कि वो किस तरह का किया है। शायद मुझे कोई करेक्ट कर दे अगर सही नहीं हूं मैं, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से शुरू किया है कि जब बीयूएमएस में एडमिशन ले लेगा कोई आदमी और उसको उर्दू नहीं होगी तो एज ए सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट उसे उर्दू पढ़नी पड़ेगी, और जब वो उसे पास कर लेगा तभी उसे आगे के, जैसे हम मंतिक और फलसफा पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं एक एज ए सब्जेक्ट, ऐसे ही वो तभी उसे आगे के लिए प्रमोशन मिलेगा या वो पास होगा। तो एक तो ये मसला हो गया उर्दू का। अगर इसके बारे में भी जहां तक लैंग्वेज का सवाल है तो वो हमारे साथ इस दिक्कत जो है उस दिक्कत के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हमारा रीजन क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ये विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जो और दीगर बात यह है कि जितनी भी तंजीमें हैं यहाँ पर हैं सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो जो दिक्कतें और परेशानी हैं वो जल्दी ठीक होंगी, उन्हें हम जल्दी उसका इजाला कर लेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि आप सब लोग मिलकर मुत्तहद होकर इत्तेहाद पैदा करके आगे बढ़ें। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि बिखरे तो कतरा कतरा हमारा हुआ वजूद, बिखरे तो कतरा कतरा हमारा हुआ वजूद, एकजा हुए तो हमने समंदर बना दिए, एकजा हुए तो हमने समंदर बना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। एक सवाल उठाया गया कि ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन क्या क्या सभी एसोसिएशंस की छत्री है। मैं इसमें बिल्कुल सफाई के साथ पेश करना चाहता हूं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम सभी एसोसिएशंस के मदर एसोसिएशंस हैं या छत्री हैं। शायद आप लोगों से कुछ लोगों को समझने में भूल हुई है या गलती हुई है। हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनानी की एसोसिएशंस काम कर रही हैं और उन्होंने जो भी काम किया है हम उनके बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, और उन्होंने अपनी सलाहियत अपनी सोच अपनी ताकत के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो आज यूनानी के हालात में आखिर क्यों है, अभी खुद शकील साहब ने बताया कि जो बहुत ज्यादा मामला सुलझे नहीं पाए हैं, बहुत सारी कमियां मजीद यहाँ बाकी है। एनसीआईएसएफ का बोर्ड ला दिया गया, यूनानी को कुछ डाला नहीं, सैकड़ों सीट्स खाली पड़ी हुई है यूनानी की, कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकलती, आखिर क्यों? बहुत सारे मसाइल हैं, सर्जरी यूनानी से खत्म की जा रही है, अभी तो उसको सिलेबस बिल्कुल नहीं गया, क्यों? अभी एम्स में 19 यूनिट्स कायम की गई, 14 आयुर्वेद के लिए, 4 होम्योपैथिक के लिए, 1 सिद्धा के लिए, जिसे बमुश्किल पूरे हिंदुस्तान में लेकर दोपहर होंगे, हमारे 85 कॉलेज होते होंगे, 1 सीट भी नहीं यूनानी के लिए, 1 यूनिट तक कायम नहीं की गई यूनानी के लिए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा कहा है कि हम किसी भी सोसाइटी के एसोसिएशन के लीडर नहीं बने जा रहे हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म किया है जहां हमने आप सबको बुलाया है। जब ये मैंने एसोसिएशन कायम की तब मैंने सबसे पहले शकील भाई से रابطہ कायम किया, सईद अनवर साहब से रابطہ कायम किया, जाहिद भाई से रابطہ कायम किया, और कम से कम 35 तंजीमों से रابطہ कायम किया, और उनको मजबूर किया मैंने कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, यहां बैठकर बात करते हैं, हम लोग मशवरा करते हैं कि आखिर जो कमियां रहेंगी उन्हें पूरा कैसे किया जाए, उनको सुधारा कैसे जाए, तो यूनानी का जायज हक है वो कैसे हासिल किया जाए, यूनानी की बका अफलाह के लिए क्या किया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई जादू की छड़ी फेरूंगा सब कुछ हो जाएगा, ना मेरी हैसियत है, मेरी औकात, क्या कोई कर सकता है? कोई भी हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया की कोई यूनानी तंजीम इस काम को नहीं कर सकती।
तो यहाँ तो हमने आपको से मुद्दू किया है कि हम लोग यहाँ बैठे यूनानी की बका और फलाह के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए एक नया अमल अख्तियार करें। उसके बाद जो हमारी कोशिश है, जो आपने पूछा क्या आपका एक्शन प्लान है, तो हमारी कोशिश यह है कि हमने ना कोई प्रेसिडेंट बनाया इस एसोसिएशन का, ना कोई सेक्रेटरी बनाया है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। ये मेरा वादा पहले दिन से आज हमेशा आगे तक रहेगा। इस पर हमारी कोशिश यह है कि हर स्टेट से एक एक नुमाइंदा, हर एसोसिएशन से एक एक नुमाइंदा, हम सबको एक मीटिंग जगह बिठाए, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड में शामिल करें और उस एडवाइजरी बोर्ड का जब भी कोई मीटिंग होगी उसके लिए नया सदर चुना जाएगा, वहां मशवरा होगा, जो सदर तय करेगा वो हमेशा के लिए तो वही काम किया जाएगा, वही लायक अमल अख्तियार किया जाएगा। हम यहाँ अपनी मर्जी चलानी है, हम किसी पर अपनी सदारत थोपनी नहीं है, हम तो केवल आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक कड़ी है आपके बीच की, मैं कोई आपका लीडर बनने नहीं जा रहा हूं। तो मेरी मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमारा मकसद केवल यह है कि सारी यूनानी की एसोसिएशन, दवासाज कंपनियां, यूनानी कॉलेज के जिम्मेदारान सब एक जगह बैठे और सब मिलजुल कर काम करेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि झाड़ू की ताकत बहुत होती है और इन बिखरेतारों को कुछ डाला नहीं है। आज जो भी हालात है हमारे, सब इसीलिए हमारे साथ ये हालात है कि हम बिखरे हुए लोग हैं। काश हम लोग एकजुट होकर एक साथ काम करते तो आज ये हालात हमेशा दिखाई नहीं देते। अब रही बात जो हमारी एसोसिएशन के अंदाज मकासद होंगे, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारी एसोसिएशन के बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रहमान साहब से कि वो आए और हमारे जो एसोसिएशन के क्या आवाज मुखासिद होंगे उस पर रोशनी डालें। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रहमान साहब। अभी शान साहब ने सारी बात तफसील में बताई। कोई भी एसोसिएशन बनाने से पहले इस बात का कोई ना कोई मकसद होता है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाई जा रही है। लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो गई है कि हमने कोई सुपर स्पेशल या सुपीरियर एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर में सब लोग काम करें, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। शान साहब ने शुरू से एक ही सोच को लेकर के सबको जोड़ा है और वो सोच है एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक साथ काम करना। यूनानी की जितनी भी एसोसिएशन है अपने लेवल से सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर आदमी कोशिश करता है, तंजीम बनाता है, आगे चलाता है, तो वो इसलिए नहीं चलाता कि खाली नाम के लिए तंजीम हो, वो इसलिए चलाता है कि वो उस समाज के लिए जिसके लिए तंजीम बना रहा काम करे। काम तो सब कर रहे हैं लेकिन यूनानी में जो डिटर्मिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सॉरी, वो सबके सामने है। उसकी वजह विदेश सरकार की पॉलिसी हो या हमारी कमियां हो, दोनों बातें हो सकती हैं और दोनों ही बातें हैं भी। फिलहाल मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि ये बात खुले तौर पर वादा है कि इस एसोसिएशन, इस फेडरेशन का मकसद किसी कोई भी सुपर एसोसिएशन बनाना नहीं है, बल्कि सारी यूनानी की तंजीमों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करके एक मिनिमल कॉमन प्रोग्राम बना करके काम करने की नियत है। वो सब लोग मिलकर तय करेंगे कि उन्हें कैसे कॉमन मिनिमल प्रोग्राम हमें बनाना है और किसको किस शोबे में काम करना है। इस हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ यूनानी की फलाह और बका के लिए है। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जो आप सबके सामने हैं, सब लोगों ने यही बात कही है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट वाइज बात रखना चाहता हूँ। पॉइंट्स के एतबार से आप सुन लें कि क्या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूनानी का हो रहा है, उस पर गौर कर लें। जैसे सबसे पहली बात, जो CCIM था उसके बाद जो NCIM बोर्ड बना है उसमें यूनानी का अलग से बोर्ड नहीं बना है, जो कि एक होना चाहिए था। जैसे आयुर्वेदा के लिए अलग से बोर्ड बनाया NCIM में, वैसे यूनानी का अलग से बोर्ड होना चाहिए था। यूनानी को एक बहुत ही लोकल पैथी
सिद्धा और रिपा के साथ, जो कि शायद कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जानी जाती है, ऑल ओवर इंडिया हमने नाम भी पहली बार सुना उसका बोर्ड बनने के बाद में, कभी नाम भी नहीं सुना था, तो सिद्धा और रिपा के साथ जोड़ दिया गया है। जबकि यूनानी नेशनल पैथी है और पूरे मुल्क में उसके कॉलेज अतिबा मौजूद हैं, फार्मेसी मौजूद हैं और पैरामेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, उसके बावजूद उसे पैथी के साथ जोड़ दिया गया जो कि एक लोकल जगह पे जानी या पहचानी जाती है। कोई भी यूनानी का एम्स प्रपोज नहीं है, आयुर्वेद का एम्स बना है, अभी गोरखपुर में इनॉग्रेशन हुआ है, सब लोग जानते होंगे कि यूनानी के आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक बोर्ड बना है, लेकिन यूनानी का कहीं भी एम्स के लिए नाम नहीं है। सबको कैसे इकट्ठा करेंगे, जो यूनानी के डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली हैं, जो कॉलेज में, जो हॉस्पिटल्स में पोस्ट खाली है वो नहीं भरी आ रही हैं, उनके लिए काम करना भी एक इसमें अग्रणी मकसद में शामिल है। बहुत सारे कॉलेज जिनमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उनमें उन कॉलेज को कैसे एडमिशन प्रोवाइड कराए जाए, कैसे इसका प्रोपेगेंडा हो, ये भी हमारे अग्रणी मकसद में शामिल है कि इस पर हम कैसे आगे काम करेंगे, एसोसिएशन इस पर भी काम करना चाहती है। यूनानी ग्रेजुएट्स यूनानी में प्रैक्टिस करें, इसके लिए प्रमोशन करना, ये भी हमारी फेडरेशन के अगले मकासद में शामिल है। फिलहाल कोशिश यही है कि सबके सब एक ही मंच पर आकर के काम करें और एक फेडरेशन के साथ मिलकर के काम करें, यही हमारी एसोसिएशन का मकसद है, जिसके साथ हम बात करेंगे। अभी सभी हजरात को 3 पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, जिसमें हमारी एसोसिएशन के अगराज मकासिद, हमारा एजेंडा और एक फीडबैक पेपर होगा। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उस फीडबैक पेपर पे जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं, मशवरा है, कोई कमेंट्स हैं, तो उसको ज़रूर फिल करें और हमें इसको दें। हम उसमें इंशाल्लाह इस मीटिंग के बाद उस पर गौर खोज करेंगे और एक लाहे अमल अख्तियार बनाएंगे इंशाल्लाह और फिर उसमें करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा मुरादाबाद नीमा की प्रेसिडेंट मोहतरमा तस्मिया परवीन साहिबा से कि वो डाइस पर आए, अपने ख्यालात का इजहार करें। आपने काफ़ी मेहनत की है मुरादाबाद और आसपास के लोगों को यहाँ ऑल इंडिया यूनानी मीट में लाने के लिए। जैसा कि यहाँ सभी लोग बात कर रहे हैं यूनानी के बारे में, और ये हकीकत है कि हम लोग पहले से पीछे होते जा रहे हैं। जो अब से 10 साल 15 साल पहले कंडीशन थी, जब हम लोग स्टार्टिंग फेज थी हमारी कैरियर की, उसमें और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया यूनानी में। आज हम अपने बच्चों को BUMS ही नहीं कराना चाहते, इवन अगर ऑप्शन मिले तो हम BUMS की जगह BAMS की तरफ भेज रहे हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट से, जो तरक्की या जो भी वो मिलना चाहिए था आगे, इसको वो नहीं मिल पा रहा यूनानी को। उसकी वजह वही है कि हम लोग टूटे हुए हैं। हम लोगों ने, मतलब मैं, ये मेरी थिंकिंग है, हम लोगों ने, सभी लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि हम खुद एक पॉलिटिशियन है, हमारी बात की वैल्यू नहीं हो रही है, हमारी बात नहीं रखी जा रही है, हम अपनी एक सेपरेट एसोसिएशन बना लें, हम अपने विचार उस पर रखें, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें काम करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें यूनानी के लिए काम करना है। हम एक तो पैसे ही हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, अगर हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन हमारे बारे में सोचेगा। और इसलिए हमें सबको, हमें अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए बीच में, हमें ये इकट्ठा होकर के सबकी बात को वैल्यू देना चाहिए, सबकी बात को समझ करके। अगर कोई यूनानी के लिए काम कर रहा है, जैसे इससे पहले हम लोग बहुत सारी रैलीज में शामिल हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे,
जो बहुत जुझारू होकर के लड़े, बिल्कुल बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया, आज वो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। जबकि वो अगर एक साथ एक मुट्ठी बन जाएं, तो हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है कि हम अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई ना लड़ सकें। बस हमें, जैसे कि आज डॉक्टर शाह मोहम्मद ने यहाँ कोशिश की है, हमें पूरे देश में यही कोशिश करनी है कि जितनी भी यूनानी के लोग बिखरे हुए हैं, एसोसिएशन अलग अलग टूटी हुई है, उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, अपनी ईगो आगे नहीं लानी, और सबको हमें यूनानी की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है। शुक्रिया।